హలో ఫోన్ రాకపోయారు जेल में रखे गए थे और जो कोर्ट बुला रहे थे आज उनको पेशी अटेंड करने के लिए उनकी जो कि ट्रायल चल रहा है उनका एक और उस केस में जो है उनको लाते हुए पुलिस जो है एक फेक इनकाउंटर का नाम देकर जो है उनको जो है हलाक कर दी है और ये बच्चे पांचों भी जो है यहाँ पर नामपल्ली में उनके चार्जेस उनके ऊपर चल रहे थे और केस जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अब बिल्कुल जो है आखिरी कुछ गवाहों की बयानात होनी बाकी थी और इनके जिरह के बाद इनको ये यकीन हो गया था कि ये केस जो है हमारी फेवर में यानी प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में हो रहा है और इसलिए जो है हो सकता ये क्योंकि केस में तो नहीं जीत सकते एक साजिश बनाते हुए पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों के ऊपर जो है आज एक फर्जी इनकाउंटर करते हुए इनको हलाक कर दिया है और हम इसकी जो है हम इसको जो है मदमत करते हैं और मेरे साथ खालिद सैफुल्ला हमारे साथी हैं वो भी इस केस में जो है मेरे साथ हैं और वो भी जो है इनको ट्रायल चलाए हैं और वो आपको बोलेंगे और उनके वालिद भी मौजूद हैं। ये विखार साहब के वालिद हैं आप जो हैं सुलेमान साहब के जो है भाई हैं और आप लोग भी जो है आपसे जो है ये फेक इनकाउंटर के बारे में आपको बोलेंगे। खार अमजद जाकिर और हनीफ और इजहार खान ये पांच लड़के थे जो है वरंगल से हैदराबाद लाए जा रहे थे। इनका केस हैदराबाद के अंदर है। इनका जो केस बुक हुआ वो हैदराबाद पुलिस ने बुक करी, कोई वरंगल के अंदर इनका कोई केस बुक नहीं था। इनका केस हैदराबाद में बुक था और ये चर्रापल्ली जेल और चंचलगुड़े में रखना था, लेकिन एक मुनज्जम साजिश के ज़रिए से ये लोगों को पांचों को जो है वरंगल जेल में रखे। इसके ऊपर वेखार अमजद और ये दूसरे लड़के कई मर्तबा कोर्ट को कंप्लेंट करे कि सिर्फ और सिर्फ वरंगल में रखने की वजह यह है कि हमारे को रास्ते में इनकाउंटर करना चाह रहे हैं, फेक इनकाउंटर करना चाह रहे हैं, हमारा मर्डर करना चाह रहे हैं। ये कोर्ट के सामने एक नहीं कई मर्तबा उनका स्टेटमेंट है। उनके वालिद साहब इससे पहले भी उन लोगों को जो है इनकाउंटर की जो है अटेम्प्ट किया गया था तो उसके वास्ते उनके वालिद साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लेटर दिए, ह्यूमन राइट्स को लेटर दिए, आईजी प्रिजंस को लेटर दिए और दूसरे पूरे ऑफिसर्स को लेटर दिए, कोर्ट को इन्फॉर्म करे, लेकिन इसके बावजूद नंबर ऑफ पिटिशंस जो है हम फाइल करें उनकी तरफ से कि जो वो लोगों को हैदराबाद जेल में रखे जाए, चाहे चंचलगुड़े में रखो चाहे चर्रापल्ली जेल में रखो, दोनों में से जो चाहे जेल में रखो, लेकिन वरंगल जेल में मत रखो, क्योंकि उनको एप्रिहेंशन है, उनको खौफ है कि जो है उनका जो है एक दिन मर्डर हो जाएगा पुलिस की जानिब से और नहीं तो जो है वो एक एप्रिहेंशन था। वो जो है वो लोग बार बार कोर्ट के सामने बोले लेकिन उनकी बात बिल्कुल कोर्ट नहीं सुना और दूसरे लोग नहीं सुने और पुलिस जो है अपनी जो साजिश थी वो साजिश में मुकम्मल जो है कामयाब हो गई और झूठा 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 जो है एकदम बिल्कुल जो है हर आम आदमी जानता कि जो है वैसा जो है फेक जो है उनका मर्डर है। वो लोगों के ऊपर मर्डर केस बुक होना, उसकी जो है CBI इन्वेस्टिगेशन होना और वो लोगों को सज़ा होना, वरना अगर ऐसा फेक इनकाउंटर्स करते रहेंगे मासूम लोगों को मारते रहेंगे तो अमन कायम नहीं रह सकता। अमन कायम करने के वास्ते इंसाफ होना पड़ता। अमन अगर कायम करना था तो वकार के ऊपर केस चलाना था, केस कंप्लीट हुए के बाद उसको सज़ा दिलाना था, लेकिन वो सज़ा अगर आप नहीं हो सकती, आप ये जान लिए कि वकार केस में बरी हो रहा और जो है जो आप गवाह पेश करें वो बिल्कुल बेबुनियाद गवाह हो रही, कोर्ट के सामने उसकी वैल्यू नहीं रह रही, तो आप जब बिल्कुल उसको जो है एक रंग दूसरा दे दे के उन लोगों का मर्डर कर दिए, मर्डर करके जो है फेक इनकाउंटर का जो है लोगों के सामने एक ढिंढोरा पीट दिए। देखिए आप लोगों से जो फोटोज आए वो फोटोज को हम लोग देखे कि वो फोटोज में है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए है, हथकड़ी डाले हुए है। अरे पूरी उन लोगों के पास मुसल्ला पुलिस पांच आदमी जिसके पास हथकड़ियां जिसके जो है हाथों में डाले हुए हैं वो पांच आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सब झूठे बातें हैं, सिर्फ उनकी मर्डर की साजिश है। और रिसेंटली जो सिमी का लोगों का जो इनकाउंटर हुआ
उसके वास्ते जो है पुलिस जो है उसका रिटेलिएशन समझिए या कुछ भी समझिए, वे जो है पुलिस जो है अपने जो है लोगों को जो है दूसरों को टारगेट बना के ऐसा कत्ल करी बेगुनाह लोगों को। आप अगर कोई मुजरिम है तो उससे इनकाउंटर करिए, आप भी उसको ख़त्म करिए, उन्हें भी उसका जवाब देंगा, लेकिन मासूम आदमियों को ऐसा कत्ल करेंगे तो जो है इसकी ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है। मासूम आदमियों को ख़त्म करेंगे तो ऊपर भी सज़ा मिलेंगी और दुनिया में भी उसका नतीजा जो है लोगों को देखने को मिलेंगे। इनकाउंटर खाइए जो एक खुला पुलिस की तरफ से फेक इनकाउंटर है जिसको मर्डर है और हम उसको 100% श्योर है कि ये पुलिस का प्लॉट किया हुआ है और इसकी हम सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। ये पुलिस का बनाम प्लॉट किया हुआ जो है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और तफ्तीश सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब तक जो है ना हम बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक इनके वाली सब का कहना यह है कि जब तक ये बॉडीज नहीं लेंगे, जब तक के सीबीआई जो सीबीआई के अंडर जाना चाहिए और इसकी जो इंक्वायरी है वो सीबीआई करना चाहिए। जब ये लोग जब तक के ऐलान नहीं करेंगे कि हम लोग ये बॉडी नहीं लेंगे, ये बॉडी वहीं रहेंगी, ये डिक्लेरेशन होना चाहिए हमारे को कि ये लोग को करे तो करे, क्यों करे। ये लोग वो लोग की अंडर में थे, वो लोग इन्वेस्टिगेशन जब तक का ऐलान नहीं करेंगे हम जो है ना नए एक्सपर्ट से आपके भाई का भी एनकाउंटर। हाँ, मेरे भाई का भी एनकाउंटर हुआ से, मेरा भाई सैयद अमजद अली है। डेफिनेटली हम हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, इससे पहले भी वो लोग करने वाले हैं काफी, इससे पहले कभी कई मरतबा उसके ऊपर कोशिश की। एक मरतबा तो वहाँ से वरंगल से ला के कोर्ट से वापस ले आते वक्त रास्ते में इतना टॉर्चर किया कि वो मर जाने के करीब था। वो जब मेरे को मालूम होने के बाद में मैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको कंप्लेंट दिया था, फिर डीजी प्रिजंस डायरेक्टर जनरल प्रिजंस उसको भी मैं कंप्लेंट दिया था, उसके बाद वो स्क्वाड को चेंज करें, मगर ये कि वो लोग वहाँ से उन लोगों को शिफ्ट नहीं करें। और ये हमेशा से डर लगा हुआ था कि ये लोग पुलिस कभी ना कभी मौका देख के यानी अपना रामीपन दिखाएगी और हम ये पुलिस के ख़िलाफ़ जो स्क्वाड वहाँ से ला रहा था उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से होना चाहिए, हम उसकी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से। केस बुक होना उनके ऊपर सीबीआई के, वो लोग के ऊपर केस बुक होना और क्या है कहने पर डिटेल्स होना, वो लोग करने की वजह क्या है। वो लोग थोड़े दिन में बरी होने वाले थे, पुलिस की ये नाकामी भी है, जो वो लोग है सो नाकामयाब हो रहे थे उसी का गुस्सा निकाले से ये लोग बरी होने वाले थे। ये लोग भागते क्यों थे, ये लोग पूरा जो केस है ये लोग के अंडर है, आज नहीं कल नहीं, पूरे 4 साल से ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ से नहीं गुजरात से ये लोग को ला रहे हैं, वरंगल से ला रहे हैं, हर जगह से ला रहे हैं, कभी कुछ ना हुआ, फिर अब क्यों हुआ। परसों सिमी का होते सदी अभी होना चाहिए इसको, नहीं ये है सो साजिश टोटली, इसको है सो वॉन्टेडली जान में रख कर करे सो। ये जो तेलंगाना पुलिस है ये जो नाकामयाबी हो गई सो, ये तेलंगाना पुलिस हमारे को कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ कर सकती है। पुलिस का मतलब होता है कि इंसान की प्रोटेक्शन करना, ये प्रोटेक्शन नहीं, वॉन्टेडली ये लोग का मर्डर किया गया है, जो स्क्वाड आ रहा था उसके ऊपर सीबीआई से इंक्वायरी होना है और सीबीआई से ये लोग के ऊपर छानबीन कर लीजिए। हम लोग को बस यही है गवर्नमेंट से डिमांड, क्योंकि वरंगल में इनको रखा गया था, वो रखने की कोई खास ठोस वजह नहीं थी, वहाँ पर कोई केस नहीं था, इसलिए ये बार बार जो है जेल ट्रांसफर का पिटीशन डाल रहे थे। कल भी ये कोर्ट के सामने विखार एक जेल ट्रांसफर का पिटीशन डाले और उस केस की जो है उस पिटीशन की सुनवाई आज रखी गई थी और उनको यकीन हो गया था आज के बाद वो वरंगल फिर वापस नहीं जाएंगे, ये भी एक वजह हो सकती है।